पांचवें दिन वही शिव महापुराण की ज्ञान गंगा गत 25 जुलाई से स्थानीय शामली अड्डा निकट पेट्रोल पंप सत्संग भवन में प्रारंभ हुई। शिव महापुराण कथा के पांचवें दिन कथा व्यास आचार्य श्री मोतीलाल शर्मा ने अपने प्रवचन में शिव महापुराण की कथा में तीर्थों की महत्ता, सत्संग का प्रभाव और सत्कर्म के माध्यम से मनुष्य के पूर्व और आगामी पीढ़ियों के उदार पर बोलते हुए कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में यदा कदा तीर्थों का सेवन करना चाहिए। तीर्थ में जाने से मनसा वाचा कर्मणा मनुष्य के अंदर सूचना और पवित्रता आती है। इसके साथ ही हमारा सनातन धर्म भावात्मक दृष्टि से जुड़ा हुआ है और स्पष्ट घोषणा करता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका अर्थ है व्यक्ति जिस भाव से भावना को बजता है, भगवान का स्मरण करता है, कथा संकीर्तन करता है, भगवान उसी भाव से फल प्रदान करते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्री मोतीलाल शर्मा ने आज पांचवें दिन की कथा में संत शिरोमणि नारद जी के तपस्या की कथा को सुनाते हुए और उनके मानस में अहंकार आने पर अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए सभी देवी देवताओं के पास जाने और ब्रह्मा शंकर और विष्णु जी को अपने कामवासना पर विजय पाने की कथा को सुनाते हुए बताया कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा, स्वयं नारद जी ने भगवान विष्णु जी से जब यह प्रार्थना की कि जे ही विधि नाथ हो ये हित मोरा करो शो बैग दास मैं तोरा, तब भगवान ने ऐसा ही किया और ऐसी रचना की जिससे वह तमाम प्रकार के माया प्रपंच से बच गए। यद्यपि संत नारद भगवान की लीला को समझ नहीं पाए और उनको ना जाने क्या क्या बोल दिया, लेकिन क्षमा मूर्ति देवा विधे देव भगवान ने संत हित के लिए भक्त हित के लिए अच्छा ही किया। अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य मोतीलाल शर्मा ने कहा कि भगवान का एक नाम विश्वमूर्ति भी है, जिसका अर्थ है संसार की सारी मूर्तियां भगवान की बनाई हुई हैं। मोतीलाल शर्मा जी और आदरणीय सुशीला बहन जी, मैं आपका बहुत हृदय से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आपने अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ हम लोगों को कृतार्थ किया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। गत 25 जुलाई से इस सत्संग भवन परिसर में महान ग्रंथ वेदव्यास जी द्वारा रचित शिव पुराण की कथा मैं मोतीलाल शर्मा आचार्य मोतीलाल शर्मा सुना रहा हूँ और सत्संग भवन के अध्यक्ष त्रिलोचन गुप्ता जी, सेक्रेटरी माननीय श्यामलाल बंसल जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय तारातन वर्मा जी, श्याम और शिव कुमार सिंगल जी और अन्य जो ट्रस्टीगण हैं वो सभी और उनके साथ जो हमारे नगर और जनपद की जो श्रोता वर्ग है वो सभी यहाँ आते हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज बिहार से प्रवचन करने के लिए आए हुए हैं, गंडी स्वामी जी महाराज यहाँ कथा में रुके हुए हैं, अन्य संत भी रुके हुए हैं और हमारा जिला आचार्य कुल का जो कार्यकारी है जिसमें डॉक्टर व्रजपाल जी हैं, चौधरी राजवीर जी हैं, सुरेंद्र पाल जी हैं, अशोक गुप्ता जी हैं, आदरणीय आचार्य सीताराम जी हैं और दूसरी हमारी बहनें हैं पूजा द्विवेदी हैं, काजल हैं, कांता जी हैं और रेणुका जी हैं और राखी गोयल हैं और अन्य जो बहनें हैं वो भी सभी यहाँ पर पधारती हैं और आज का दिन हमारे लिए बड़ा पावन दिन है कि हमारी जिनको हम बहुत आदर करते हैं परम आदरणीय पूर्व विधायक श्रद्धे मेरी बड़ी बहन सुशीला अग्रवाल जी मुझ छोटे भाई को आशीष देने के लिए यहाँ पधारी और मेरा मनोबल बढ़ाया। और ये जो शिव पुराण है ये पुराणों का शिरोमणि है, ये साक्षात परात्पर पुरुष परमात्मा शिव के मुखारविंद से निकला हुआ है। वेदव्यास भगवान सत्यवती नंदन वेदव्यास भगवान इस पुराण के लेखक हैं और सूत जी महाराज इस पुराण के वक्ता हैं और सौनक ऋषि जी इस पुराण के श्रोता हैं। तो वेदव्यास द्वारा रचित ये शिव महापुराण को सूत जी महाराज के मुखारविंद से सौनकादिक ऋषियों ने सुनकर के
इस प्रवाह गंगा को सारे संसार को तारने के लिए प्रेषित किया है, और ये हमको प्रेम का, सत्य का और शीलता का, विनम्रता का, भक्ति का, मैत्री का मार्ग दिखाता है। और पुराणों का जो चिंतन है, मनन है, पठन पाठन है, वेद वेदांग उपनिषदों का जो पठन पाठन है, उससे मनुष्य को जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। और जब मनुष्य मनुष्य बन जाता है तो फिर उसका स्वयं का तो जीवन सरल होता ही है, उसके साथ जो उसके अन्यान्य पारिवारिक और सामाजिक जन होते हैं उन सब का भी जीवन धन्य होता है। तो मैं फिर यही कहूँगा, मेरे सौभाग्य से सत्संग भवन में जो ये पुराण कथा हो रही है, इसमें मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। ये वास्तव में होतीलाल शर्मा जी, वैसे तो यहाँ पर पुराण कह रहे हैं, व्यास जी हैं, लेकिन उनकी कृपा से आज पता नहीं मेरे कितने जन्मों के पुण्य मेरे सामने आए कि ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन होने को मिले, दर्शन मिले, आशीर्वाद मिला। मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज बहुत जो बहुत सालों से नहीं मिले थे, सब कोरोना की वजह से सब अपने अपने घरों में बंद थे, आज मुझे बहुत खुशी है सब अपने भाइयों से मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा। और जो समाज सेवी मेरे पास में, जो मेरे श्रेष्ठ भाई श्याम लाल जी हैं, वो हमेशा, और होतीलाल शर्मा जी हमेशा, चाहे बरसात होगी तो बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता करेंगे, गर्मी होगी तो वैसे वो सहायता करेंगे, और कहीं भूकंप आएगा तो सहायता करते हैं, हर व्यक्ति की सहायता करने को हमेशा तत्पर हैं। और ऐसों के कंधों पर ही अपने समाज का बोझ है, और आपके जो हमारे पूजनीय यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने अपने घर बार छोड़ करके अब हम लोगों को, हिंदुओं को बचाया है, हैं उनकी ताकत से आज हम यहाँ खड़े हैं। मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अभी आप ताराचंद वर्मा जी ने मेरे पुराना एक किस्सा बताया है, वो इतिहास तो पुराना है, और मैं तो अभी भी विधायक रहने के बाद भी, विधायक रहता है, सांसद रहता है, कभी भी समाज में कोई ऐसा कार्य हो तो मुझे ना भूलें, और हमेशा मैं तत्पर समाज के कार्यों के लिए तत्पर रहूंगी।